एसके सिंह स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने जा रहे हैं। यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा? उसको बनाने के लिए पहले त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। tan थीटा का मतलब लंब बटा आधार। लंब क्या है? 5 है। आधार कितना है? 12 है। हमको कर्ण पता नहीं है। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब कितना है? 5। 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 12। 12 का स्क्वायर। 25 प्लस 12 बराबर 144। इसको जोड़ेंगे, इसका रूट निकालेंगे, 13 होगा। कर्ण का मान 13 आया। अब पूछ रहा है साइन थीटा का मान कितना होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 5। कर्ण कितना है? 13। ऑप्शन में किधर है 5/13? बी। ऑप्शन बी 5/13।